कृष्णा उपस्थित भक्त सज्जनवृंद और मातृवृंद समस्त चरण कोटी कोटी धन्यवाद प्रणाम मुदित आचार्य दास आप समस्त बुला इस्कन यूट्यूब को हार्दिक स्वागत जनाऊँ। आज आम आलोचना करवा कुंती देवी स्तुति जो भागवतम जो अच्छा प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय जो स्तुति कर छब्बीस स्तुति भगवान गुणगान कर चलतु से स्तुति विषय में विस्तृत आलोचना करवा आम मंदिर मुख्य श्रीपाद पादशिव हरे कृष्ण ओं ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण उपस्थ भक्त स्वजनबंध मातृवृंद आपण मन को आमर इस्कन बुर्ला यूट्यूब तरफ हार्दिक स्वागत जनाऊँ। आज आम कथा प्रसंग रही कुंती देवी स्तुति भागवतम कहले भगवान भक्त मान विषय वर्णना कर भागवत कहले भगवत सम्बन्धीय भगवत गीता एवं भागवत ये दुईटी शब्द रही लोक मैंने जानती ना भागवत गीता भी कही दिखती किंतु प्रकृत हूँ भगवत गीता भगवान को मुख निश्रुत बाणी गीता आ ये भागवत हूँ भगवान भक्त एवं भगवत सम्बन्धीय वस्तु को भागवत भी कहु तेणु ये भागवतम अनेक स्तुति रही मुख्यटी 108 स्तुति रही भितर कुंतीदेवी स्तुति हूँ प्रथम आरंभ कर 26 श्लोक भगवान स्तुति कर स्तुति आम भगवान तत्व जाणवा भगवत तत्व खूब क्वचित लोक जानती जमी भगवद गीता सप्तम अध्याय तृतीय श्लोक भगवान कहले मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतत सिद्धये जतताम्पि सिद्धानां कश्चित् मां व्यतीत तत्त्वतः हजार हजार लोक मान अच्छा मनुष्य मान अच्छा भितर क्वचित लोक जीवन में सिद्धिलाभ करने चेष्टा कर हजार हजार सिद्ध मान भितर क्वचित लोक भगवान को तत्व जानती तेणु कुंतीदेवी से भाव तत्वविद जाने से भाई व्यक्ति बहुत दुर्लभ सुदुर्लभ बोली कहुई कुंतीदेवी जन स्त्रीलोक स्त्रीलोक भक्ति रे कौन सी बात विचार ना भगवद गीता नवम अध्याय भगवान कहते मांगी पार्थ व्यपाश्रित जो पिशु पाप जनयो स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रा तेपी जाती परांगति भगवान का जो शरण गला मैंने समस्ते उन्नत स्थिति प्राप्त हे स्त्रीलोक हूँ शूद्र हूँ वैश्य हूँ जे भी हूँ तेणु कुंती दु जन से भाव कुंती हूँ भगवान को पीयूसी हे भगवान कृष्ण जो पिता वसुदेव वसुदेव भौणी होती कुंती पृथा बोली कहुच्छ तेणु ये पृथा कुंतीकर कुंती स्तुति कर 26 श्लोक रही 18-43 26 श्लोक भगवान से स्तुति कर महाभारत युद्ध पर जिते भगवान फेरिया आसान जानी महाभारत युद्ध कथा महाभारत युद्ध पांडव मान विजय लाभ कलापर पांडव मान को भगवान नहीं गले गोटे अन्य स्थान को ले जाते से दिन राति जो रही पांडव मैंने शिविर गोटे अखुणी सैन्य पांडव पांच पुत्र एम सब रही सैन्य शिविर रही कि राति अश्वत्थामा आते जन रही कृतवर्मा कृपाचार्य एम सब आसिक रात सब हत्या कले से पांच पुत्र को विशेष भाव पांडव पांच पुत्र को हत्या कर भाव हत्या कलापर बहुत घटना रही आम कथा होती समस्त मन दुख रही द्रौपदी ये सब कथा भागवत प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय वर्णना कर तेणु यहाँ जिते भगवान फेरिया बस समय प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय वर्णना कर समय भगवान तर रथ बसिक द्वारका अभिमुख यात्रा कर हस्तिनापुर से ही समय ये दौड़ धाई नहीं कि आसिले उत्तरा धाई नहीं कि आसिले प्रभु मत रक्षा करूँ मोर गर्भ को गोटे आसूची बाण आसूची प्रकृत में अश्वत्थामा से बाण को छाड़ी थे ब्रह्मास्त्र से जो गर्भरे संतान रही जे परीक्षित नाम परिचित हे हत्या करने अश्वत्थामा यह भाव व्यवस्था करते
किंतु भगवान से ही रथ बस उत्तरांग गर्भर प्रवेश करी सूक्ष्म आकार प्रवेश करी से गर्भ संतान को रक्षा करेणु आपको देखिले कुंतीदेवी कुंतीदेवी देखिकी जिते बड़े भगवान विदा नापी जावाई चाहती जाऊँच उद्यत होती समय कुंतीदेवी स्तुति कर 18-43 ये 26 स्तुति श्लोक रही यार बहुत अर्थ रही आम संक्षेप कहवा तेणु से कौन नमस्ते पुरुषं पाद्यं ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम् प्रथम से कौन नमस्ते पुरुषं पाद्यं नमस्ते कुंतीदेवी भगवान तक प्रणाम करती सब कारण से पिछे हे भगवान से समय बयस 90 पखापाखि 90 कुंतीदेवी से अधिक बयस तेणु जो नमस्कार कर नमस्ते पुरुषं जो कौन भगवान चिंता करुषी तुम क्या प्रणाम कर नमस्ते पुरुषं पुरुष को मुझे प्रणाम करुष ना तुम्हें हूँ से पुरुष भगवान भगवद गीतार 10 अर्जुन भगवान पुरुष बोली कही पुरुषं शाश्वतं दिव्यं 10 एक कथा रही पुरुषर अर्थ हूँ प्रकृतर उपभोगकारी प्रकृत पुरुष होनेक अर्थ रही कि मुख्य अर्थ हूँ उपभोगकारी प्रकृत भगवान प्रकृत उपभोगकारी कौन भगवान एवं भगवद गीता 5:29 श्लोक भगवान कहले जो मैंने जानती भगवान को जो उपभोगकारी शांति प्राप्त हे 5:29 श्लोक भगवान एक कथा कही तेरे प्रकृत उपभोगकारी हूँ भगवान किंतु आम निजुक उपभोगकारी भावुचे तेणु आमर ये पुरुष लोक हूँ बा स्त्री लोक हूँ समस्ते ये पुरुष अभिमान रही भगवद गीता 13 भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृति स्तोहि भुक्ति प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगोष्य सदस्य जोनि जन्मसु आम ये पुरुष लोक हूँ बा स्त्री लोक हूँ समस्ते कौन उपभोग करने चाहते पुरुष प्रकृति यही पुरुष प्रकृति ये जो तीन गुण रही प्रकृति में सत्व रज तम ये तीन गुण में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब रही तीन प्रकार रही तीन गुण अनुसार तीन प्रकार सब रही भागवत भगवद गीता सप्तदश अध्याय अनेक अध्याय से गुण विषय वर्णना कर विशेष भाव में सप्तदश अध्याय हूँ गुणोत्तर विभाग जो 14 ये वर्णना कर तेणु लोक मैंने यही भाव भावुंत उपभोग करेंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि कितु प्रकृत आम उपभोग कर क्षमता आमर ना तेणु भगवान से माया मायार जगत सृष्टि करें निजी उपभोग कर भावुचे कि प्रकृत उपभोगकारी आम नुह प्रकृत उपभोगकारी हो भगवान तेणु कुंतीदेवी जानती भगवान भगवत तत्व को जानती तेणु से कहले पुरुष नमस्ते पुरुषं पाद्यं एवं सी हूँ आदि पुरुष कहले पूर्वर आज कई ना भागवत चतुश्लोक भागवत मैं आप शुणा भगवान प्रथम श्लोक अहम आदि अहम मुझे प्रथम अहम ये समय भाग्रे प्रथम एकमात्र भगवान थे आम चिंता करना आदि पुरुष से नमस्ते पुरुषं पाद्यं ईश्वर प्रकृते परम एवं सी जो पुरुष रही आम पुरुष रही सी पुरुष तफात हो कौन ना सी होती ईश्वर ईश्वर कहले नियंत्रणकारी सबकि नियंत्रण करेंगे दिन राति को नियंत्रण से कर आज्ञा सब चलती मद्भयाद भाति भात वयम सूर्यस्तपति मद्भयाद भागवत तृतीयस्कंद 25 एक भगवान कपिलदेव तक माँ देवहूति कहे भगवान आज्ञा सब चलती भगवद गीत नवमध्यान बद भगवान कहले मयाध्यक्षिण प्रकृति श्रीयते सचराचर आम देखुचे जो विभिन्न प्रकार सृष्टि हो सूर्य उदय होस्त हो विभिन्न प्रकार सृष्टि ऋतुर परिवर्तन हो सब भगवान अध्यक्षतार होयाध्यक्षिण प्रकृति श्रीयते सचराचर तेणु सी हूँ ईश्वर एवं बहुत ईश्वर रही बहुत नियंत्रणकारी रही जमी इंद्र जन ईश्वर किंतु तांको ऊपर जन ईश्वर रही किंतु सी होती प्रकृति परम
ଏ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭଗବା ଆଉ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତିରେ ରଜଗୁଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏ ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପରମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ସର୍ବଭୂତାନ, ସିଏ ସମସ୍ତ କେହି ସର୍ବଭୂତାନ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ସର୍ବଭୂତାନ। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆମେ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ସର୍ବଭୂତାନ ଅନ୍ତର୍ବହି ଅବସ୍ଥିତ, ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆ ପରଶ୍ଳୋକରେ କହିବେ, ତା ପରଶ୍ଳୋକ ମାୟା, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକରି ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆମେ ଗତକାଲି କହୁଥିଲେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଦୁ ରସୋହମ ଅପ୍ସୁକମ୍ ଦେୟ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛବିଶଟି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଭାଗବତଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛବିଶଟି ଶ୍ଳୋକ କହିବେ କୁନ୍ତିଦେବୀ, ଆହୁରି ପଚିଶଟି ଶ୍ଳୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତୋଟି ଶ୍ଳୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେଣୁ ଆମ କଥାକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କି, ଦାୟୀ ଗୋ ପ୍ରମାଣନ୍ତି।